फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। और जैसा कि स्कूटी में आप लोगों ने देखा होगा कि ये फाइबर वाला पार्ट जो होता है, ये हर स्कूटी में होता है, जो आपका बेस होता है। जैसे फ्रंट तो आपका बॉडी का कलर होता है, और ये फाइबर होता है, ये ज़्यादातर आपका स्लेटी कलर में ही मोस्ट ऑफली होता है, ग्रेश कलर में होता है। तो ये बहुत जल्दी डर्टी होता है और बहुत ही फेड दिखने लगता है। तो इसको थोड़ा क्लीन करने के लिए, जैसा आप लोग देख रहे हैं एकदम क्लीन एंड शाइनी यहाँ पे दिख रहा है, साफ सुथरा, इसको करने के लिए आप क्या करना है, बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि वो उसको बर्न करके, या फिर क्या कहते हैं, कुछ बर्नर से जला करके या फ्लेम से दिखा रहे हैं कि वो काला काला होता जा रहा है। वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये होता है आपका रबिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। ये ले आइए कोई भी कंपनी का, और इससे बस आपको लगा करके इसको क्या कहते हैं, लगा करके यूज़ करना है। मेथड इस पे लिखा होता है, फिर भी अगर मेथड में कुछ डाउट हो तो ये समझ लीजिए कि जैसे रबिंग कंपाउंड आपको यूज़ करना है, तो रबिंग कंपाउंड का ठीक ठाक अमाउंट आप ले लीजिए और उसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉक वाइज में आप उसको लगाइए, ठीक है। हाथ से ही कर लीजिए, या फिर क्या कहते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, या कोई फॉर्म ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फॉर्म का कोई टुकड़ा ले लीजिएगा, बहुत सॉफ्ट मत लीजिएगा, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा हार्डनेस, या कुछ नहीं मिले तो एक प्रॉपर एक कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए, थोड़ा सा मोटा, एकदम पतला क्लॉथ नहीं, मोटा थोड़ा सा, ठीक है। और उससे पहले क्या करिए, रबिंग कंपाउंड पूरे में अप्लाई कर दीजिए, अच्छे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक वाइज में एक ही तरह घुमा के अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। और थोड़ा घिसना पड़ेगा आपको रबिंग कंपाउंड, क्योंकि रबिंग कंपाउंड क्या करता है कि थोड़ा सा अपने जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं अंदर, उसमें वो क्या करते हैं कि चीज से आपका क्या कहते हैं, डस्ट, डर्ट और ग्रिप को हटाते हैं, रिमूव करते हैं। तो थोड़ा घिसना पड़ता है उसको, याद रखिएगा। उसको आप क्या कहते हैं, लगा करके, और उसके बाद फिर रिवर्स मोशन में, जैसे आपने ऐसे लगाया था क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उसको छुड़ाते चले जाइए। जितना भी डर्ट, डस्ट और ग्रीम होगा वो सब छूट करके निकल जाएगा, और प्रॉपर शाइनी आपका जो फाइबर है वापस अपनी कंडीशन जो उसकी होती है उसमें रिवर्ट हो जाएगा, रिटर्न कर लेगा वही कंडीशन में, ठीक। वैसे तो आपका क्या कहते हैं, रबिंग कंपाउंड का प्रॉपर जो मेथड होता है वो मशीन से यूज करते हैं, बट यहाँ पर आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिंपली आपको उसको लगाना है और रिमूव करेंगे अपने आप ही ये शाइनी हो जाएगा, ठीक है। इसका जितना भी आपका जो फेडनेस है वो चली जाएगी, सिंपल मेथड है, इसको यूज करने से आपका ये शाइनी हो जाएगा, जैसे मैंने बताया, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। और रबिंग कंपाउंड हालांकि बेसिकली आपका जो होता है स्क्रैच वगैरह को रिमूव करने के लिए होता है, जैसे एक छोटा मोटा मान लीजिए स्क्रैच कहीं लग जाता है, तो स्क्रैच आप लगा करके जिसको हटाते हैं तो स्क्रैच काफ़ी डल हो जाता है, और हल्का फुल्का स्क्रैच होगा तो नज़र भी नहीं आएगा यहाँ तक, और थोड़ा वैसा भी स्क्रैच होगा अगर क्या कहते हैं काफ़ी, मतलब गहरा स्क्रैच होगा तो उसका भी काफ़ी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है अभी कंपाउंड से। दैट्स अ गुड प्रोडक्ट एंड कैन बी यूज ऑन एनी पेंट सर्फेस एंड एनी व्हीकल, चाहे आपका क्या कहते हैं फाइबर हो उस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और मेटल के ऊपर जैसे पेंट होता है ये भी, इस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये रबिंग कंपाउंड है आपका मोटोमैक्स का, और मैं यूज़ कर रहा हूँ, बढ़िया प्रोडक्ट है। आप 3M का या किसी अदर कंपनी का भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।